भिंड के गोरमी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मानहड़ गांव में छापामार कार्यवाही कर एक घर से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से 47 पेटी अवैध देशी मसाला शराब, 8 पेटी अंग्रेजी मैकडोनल्ड्स शराब, 8 पेटी हंटर बियर, 12 पेटी राजस्थान की फ्रूटी टाइप पैकिंग शराब जब्त की है। साथ ही हजारों की तादाद में खाली वारदाना, क्वार्टर, ढक्कन, रैपर, पैकिंग मशीन और बड़ी तादाद में केनों में भरी शराब निर्माण की सामग्री जब्त की है। दरअसल भिंड जिले की गोरमी थाना पुलिस को इलाके में अवैध देशी और विदेशी मदिरा की बिक्री की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और आज मुखबिर द्वारा सटीक सूचना पर मानहड़ गांव में पुरुषोत्तम भदौरिया के घर में अवैध देशी शराब का निर्माण एवं बिक्री की जा रही है, जिसकी सूचना पर गोरमी थाना पुलिस ने मानगढ़ गांव में पुरुषोत्तम भदौरिया के घर पर दबिश दी तो वहां पर बड़ी तादाद में देशी और विदेशी शराब को जब्त किया गया। साथ ही शराब माफिया पुरुषोत्तम भदौरिया को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुरुषोत्तम भदौरिया का साथी पिंटू भदौरिया मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सर बताइए, अवैध तरीके से जितनी कितनी शराब पकड़ी गई है और कहां से पकड़ी गई है? आज मुखबिर की सूचना पर से ग्राम माड़ में छापा दिया गया है। उस छापे में पुरुषोत्तम भदौरिया और पिंटू भदौरिया, जो संयुक्त रूप से शराब का अवैध धंधा कर रहे थे, उनके घर से 75 पेटी कुल शराब पकड़ी गई है तथा खाली बारदाना, जिसमें इंग्लिश की पेटी भी है, हंटर की बियर भी है और फ्रूटी भी है जो राजस्थान में मिलती है, वो पकड़ी गई है। खाली बारदाना, ओपी शराब, पैकिंग करने का सामान भारी मात्रा में बरामद हुआ है। करीब 10 लाख का सामान बरामद हुआ है। तो आरोपी भी पकड़े गए हैं क्या? पुरुषोत्तम भदौरिया गिरफ्तार हुआ है, पिंटू भदौरिया फरार है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। इससे भी आरोपी से पूछताछ की जाएगी, शराब कहां से ला रहा है। टाइम एज मध्य प्रदेश के लिए गोरमी से रणवीर परमार की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एज मध्य प्रदेश। टाइम एज मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। भिंड के गोरमी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए मानहड़ गांव में छापामार कार्यवाही कर एक घर से अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से 47 पेटी अवैध देशी मसाला शराब, 8 पेटी अंग्रेजी मैकडोनल्ड्स शराब, 8 पेटी हंटर बियर, 12 पेटी राजस्थान की फ्रूटी टाइप पैकिंग शराब जब्त की है। साथ ही हजारों की तादाद में खाली वारदाना, क्वार्टर, ढक्कन, रैपर, पैकिंग मशीन और बड़ी तादाद में केनों में भरी शराब निर्माण की सामग्री जब्त की है। दरअसल भिंड जिले की गोरमी थाना पुलिस को इलाके में अवैध देशी और विदेशी मदिरा की बिक्री की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और आज मुखबिर द्वारा सटीक सूचना पर मानहड़ गांव में पुरुषोत्तम भदौरिया के घर में अवैध देशी शराब का निर्माण एवं बिक्री की जा रही है, जिसकी सूचना पर गोरमी थाना पुलिस ने मानगढ़ गांव में पुरुषोत्तम भदौरिया के घर पर दबिश दी तो वहां पर बड़ी तादाद में देशी और विदेशी शराब को जब्त किया गया। साथ ही शराब माफिया पुरुषोत्तम भदौरिया को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुरुषोत्तम भदौरिया का साथी पिंटू भदौरिया मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सर बताइए, अवैध तरीके से जितनी कितनी शराब पकड़ी गई है और कहां से पकड़ी गई है? आज मुखबिर की सूचना पर से ग्राम माड़ल में छापा दिया गया है। उस छापे में पुरुषोत्तम भदौरिया और पिंटू भदौरिया, जो संयुक्त रूप से शराब का अवैध धंधा कर रहे थे, उनके घर से 75 पेटी कुल शराब पकड़ी गई है तथा खाली बारदाना, जिसमें इंग्लिश की पेटी भी है, हंटर की बियर भी है और फ्रूटी भी है जो राजस्थान में मिलती है, वो पकड़ी गई है। खाली बारदाना, ओपी शराब, पैकिंग करने का सामान भारी मात्रा में बरामद हुआ है। करीब 10 लाख का सामान बरामद हुआ है। तो आरोपी भी पकड़े गए हैं क्या? पुरुषोत्तम भदौरिया गिरफ्तार हुआ है, पिंटू भदौरिया फरार है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। इससे भी आरोपी से पूछताछ की जाएगी, शराब कहां से ला रहा है। टाइम एज मध्य प्रदेश के लिए गोरमी से रणवीर परमार की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एज मध्य प्रदेश। टाइम एज मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।